अस्सलामुअलैकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बोलचाल में आपका इस्तकबाल है। पिछले कुछ दिनों से हम इंग्लिश बोलचाल का एक सिलसिला शुरू किए हैं, जिसमें हम आपको रोज़ाना एक लेसन पढ़ाते हैं। कभी हम आपको अंग्रेज़ी की वोकैबुलरी देने की कोशिश करते हैं, तो कभी हम आपको इंग्लिश का कुछ ग्रामर समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए आज का लेसन हमारा हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेसन नंबर 16 और 17 में हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में कुछ पढ़ा था और कुछ सीखा था, और एग्जांपल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से जुमला सेंटेंस बनाते हैं। चलिए हम अब लेसन नंबर 18 में हम देखेंगे कि किस तरह से उसके आगे का हम सेंटेंस तैयार करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले हम आइए उसकी तारीफ देखते हैं कि इसको उर्दू में कहा क्या जाता है। जैसे हमने देखा था कि ज़माने की तीन किस्में होती हैं, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। अब उसके हर टेंस के अंदर भी चार किस्में होती हैं, वो भी हमने पिछले लेसन में देखा था। अब देखेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को उर्दू में कहा जाता है ज़माने हाल, यानी ज़माने हाल में जो काम जारी है, अभी फ़िलवक्त ये काम चल रहा है, इसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हाँ देखिए, जो इसकी तारीफ हम अगर उर्दू ज़बान में अगर देखेंगे, तो जो जुमला यानी जिन जुमलों में मौजूदा ज़माने में काम के जारी और मुसलसल होते रहने की बात मालूम हो रही है, इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। इसको आसान समझने के लिए और एक इसका एक तरीका है कि इस जुमले के आखिर में हमेशा रहा है, रहे हैं, रही है आता है, हाँ जुमले के आखिर में आता है, तो हम उसको समझना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। हाँ चलिए हम देखते हैं कि इसको हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगता है, डू किसको लगता है, डज किसको लगता है। अब हम देखेंगे कि इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। चलिए सबसे पहले है ही शी इट और सिंगुलर, ही शी इट और सिंगुलर इन सब्जेक्ट के साथ लगता है इज, ही शी इट और सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ लगता है इज, और इज का माना क्या होता है, इज का माना है होता है। हाँ उसके बाद जैसे वी यू दे, हाँ इन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो लगता है आर, और आर का माना क्या होता है, जब जमा में होता है, प्लूरल में होता है, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, जिसका माना होता है। हाँ और जब सब्जेक्ट आ आता है, हाँ मैं के लिए जब हम बात करते हैं, आए जब आता है सब्जेक्ट, तो इस वक्त इस सब्जेक्ट के साथ आए के साथ हम क्या लगाते हैं, एम। हाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, एम लगता है। चलिए हम इसको एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसका कायदा देखते हैं कि इसका कायदा क्या है, किस तरह से हमको सेंटेंस बनाना है। याद रखिए सबसे पहले हमको लगाना है सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे हम सबसे पहले, सब्जेक्ट, हाँ जो काम कर रहा है सब्जेक्ट। हाँ उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब जो है हमारा, जो भी वर्ब है उसको जो है आईएनजी लगाएंगे, वर्ब जो भी है हमारा उसको क्या लगाएंगे हम, आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद आखिर में हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इस तरह से इसका कायदा है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल के जरिए समझने की हम कोशिश करते हैं। एक जुमला लेता हूं मैं उर्दू का, जैसे वो जा रहा है, क्या जुमला है हमारा, वो जा रहा है, हाँ वो जा रहा है, एक मुजक्कर है वो, हाँ एक सब्जेक्ट है वो लड़का है, एग्जांपल के लिए समझ लेंगे तो वो एक लड़का है, तो वो है, तो हमारे कायदे के हिसाब से सबसे पहला क्या आता है, हमारे कायदे के हिसाब से सबसे पहला आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आया, वो के लिए मुजक्कर है, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ही, हमने लिखा ही, वो की जगह पर लिखा हमने ही। हाँ उसके बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, हाँ ही को हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज लगता है, हाँ हमने लगाया ही इज। हाँ उसके बाद वर्ब क्या है, हाँ हाँ वो जा रहा है, जा रहा है, वर्ब क्या है हमारा, जाना, जा रहा है, इसके लिए क्या आता है इस्तेमाल, फर्स्ट फॉर्म क्या आता है, गो, इसको लगाया हमने आई एन जी, क्या हो गया, हाँ ही इज गोइंग, वो जा रहा है। बहुत आसान है गाइस, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, इस तरह से आप जुमले बनाएंगे, हर सब्जेक्ट के साथ एक एक जुमला बना दे जाएंगे, तो अपने आपके पास बहुत सारे ऐसे जुमले, एक ही जुमले को लेकर हम बना सकते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जांपल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर है कि तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, हाँ हम सामने वाले के लिए कह रहे हैं कि तुम जा रहे हो, अब यहाँ तुम है, तो तुम यानी यू,
हाँ सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा, यू, हमने सबसे पहले लिखा यू। हाँ यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, आर। हाँ उसके बाद क्या लगाया हमने, वर्ब गो। उसके बाद क्या लगता है, आई एन जी लगता है वर्ब के साथ, तो उसको लगाया हमने आई एन जी, गोइंग। क्या हो गया, हाँ यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस लेकर, उर्दू के सेंटेंस लेकर हम उसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करें ताकि हमको समझने के लिए और सीखने के लिए आसानी हो। उसके बाद देखिए और एक सेंटेंस मैं लेता हूँ कि मैं जा रहा हूँ। एक और सेंटेंस हमारा एग्जाम्पल का है, मैं जा रहा हूँ। अब मैं इस सब्जेक्ट है, इसके लिए हम इंग्लिश में क्या इस्तेमाल करते हैं, आई, आई। उसके बाद हमने देखा कि इसको हेल्पिंग वर्ब क्या लगते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब। आई के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, एम। हाँ आई एम, हेल्पिंग वर्ब लगा एम। हाँ उसके बाद वर्ब आया हमारा गो, उसको क्या लगता है, आई एन जी, गोइंग। क्या हुआ, गोइंग, आई एम गोइंग। हाँ मैं जा रहा हूँ। हाँ बहुत ही आसान है, आप थोड़ा थोड़ा करके अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरी बातें अच्छी से समझ में आएंगी। चलिए हम उसको बाद, उसके बाद देखते हैं कुछ कंजुगेशन देखते हैं। कंजुगेशन किस तरह से एक सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से बताते हैं। जैसे हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा था, जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, हाँ मुस्बत जुमला बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, मनफी जुमला बोलते हैं, है ना, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, है ना, ऐसे हमने देखे थे। इसको भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। पिछले लेसन में 16 नंबर लेसन में मैंने बताया था प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में कौन सा क्वेश्चन को किस तरह से हम बनाना है। चलिए हम इसको भी एक बना के देखते हैं। जैसे अगर मुस्बत जुमला, जो पहला जुमला हमारा था कि वो जा रहा है, ही इज़ गोइंग, हाँ ये क्या है हमारा, मुस्बत जुमला है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको ही हम अगर निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो किस तरह से बनेगा, चलिए हम देखते हैं आप कि निगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनता है। सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त में जैसे वो जा रहा है, ही इज़ गोइंग, इसी का ही उल्टा हम अगर बनाएंगे तो क्या बनता है, वो नहीं जा रहा है। क्या बनता है, वो नहीं जा रहा है। इसके लिए सिर्फ नॉट इसके अंदर ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट ही, उसके बाद लिखा हेल्पिंग वर्ब इज़, उसके बाद हमको लगाना है नॉट, हाँ उसके बाद लगाना है वर्ब और वर्ब के साथ आई एन जी। तो कैसा जुमला बना है, ही इज नॉट गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहा है, ही इजंट गोइंग भी इसको हम पढ़ते हैं। हाँ चलो उसके बाद अगर देखते हैं हम इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के साथ किस तरह से बनाते हैं, यानी सवालिया जुमला हेल्पिंग वर्ब के साथ कैसे बनाते हैं। जैसे क्या वो जा रहा है, क्या वो जा रहा है, इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहला हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा इज, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट ही इज, सॉरी इज ही, हाँ उसके बाद क्या आएगा वर्ब और उसके साथ आई एन जी, इज ही गोइंग, क्या वो जा रहा है। हाँ इसी को ही हम उल्टा बनाना है, हाँ इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, हाँ सॉरी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना है हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो सबसे पहला क्या आएगा इज, उसके बाद लगेगा नॉट, हाँ उसके बाद लगेगा ही, उसके बाद लगेगा वर्ब और उसके साथ आई एन जी, इज नॉट ही गोइंग, क्या वो नहीं जा रहा है। हाँ उसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड के साथ जब आता है, हाँ जैसे क्वेश्चन का वर्ड जो बीच में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, हाँ तो इसको कैसे लगेंगे, हमने देखा कल ही लेसन में हमने देखा था कि जब बीच में कहाँ क्यों कैसे आता है तो सबसे पहले हम इंग्लिश में उसको जो कहते हैं हम वो लिखेंगे। जैसे कहाँ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वेयर, हमने लिखा वेयर, उसके बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, हाँ वो है, तो क्या आएगा वेयर इज, वो के लिए आया क्या ही, वेयर इज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है। हाँ इसी का हमने उल्टा किया, इंट्रोगेटिव हाँ अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ब के साथ, वो कहाँ नहीं जा रहा है, वो कहाँ नहीं जा रहा है, इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम सवाल को लिखेंगे कहाँ के लिए आ रहा है वेयर, उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब वेयर इज, हाँ उसके बाद लगेगा नॉट, हाँ उसके बाद लगेगा हमारा सब्जेक्ट ही, वेयर इज नॉट ही, उसके बाद आएगा वर्ब और आई एन जी गोइंग,
वेयर इज नॉट ही गोइंग, वो कहाँ नहीं जा रहा है। गाइज, ये लेसन हमारा आज का यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको हमारा लेसन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अपने कमेंट्स देकर हमको बताइए कि हमको क्या इस्लाह करने की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।